एक अमेरिकन थिंक टैंक ने पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ की है। इस थिंक टैंक के विशेषज्ञ ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा घटी है और भारत की बदला लेने की नई नीति के फलस्वरूप पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस गया है। इस टिम्सन सेंटर के सह संस्थापक माइकल क्रेपॉन ने आर्म्स कंट्रोल वोक के संपादकीय पृष्ठ में लिखा है, जो कभी पाकिस्तान की रणनीतिक संपत्ति मानी जाती थी अब गंभीर बोझ बन गई है। सीमा पार हमलों ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सहानुभूति काफी हद तक घटा दी है, जो उसे उसकी पुरानी शिकायतों के चलते दूसरे देशों से मिलती थी। इसी के साथ उनकी ये भी राय थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को अलग थलग करने में सफल रहे हों, लेकिन तीन बड़ी शक्तियां अमेरिका, रूस और चीन फिलहाल ऐसा करने के लिए इच्छुक ना हो। हालांकि अपनी आदत के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारत भ्रम फैला रहा है और दोनों ओर से गोलीबारी हुई जिसमें उसके दो सैनिक मारे गए। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह से हर तरफ से भारत की सराहना हो रही है और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की थू-थू हो रही है, उससे यही लगता है कि विश्व मंच पर पाकिस्तान दो कौड़ी का रह गया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।